वेस्ट सियांग जिले से आए हुए कल्चरल ट्रूप जो अपना बहुत ही खूबसूरत नृत्य आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे राज्य के ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री चौनाबेन जी, हमारे साथ आए हुए हमारे सहयोगी संसदीय सचिव श्री न्यामर करवक जी, हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन के श्रीमान चंगमा ताजो जी और इस संगठन के हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री कंकर योमचा जी और आप सभी जॉइंट वर्किंग कमेटी के हमारे ऑफिस बियरर प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और यहाँ उपस्थित हमारे मजदूर भाई बहन और खास करके जो आप विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से यहाँ डेलीगेशन जो आए हुए हैं, आप सभी को पेमा खांडू की ओर से नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन के जो पद अधिकारी गण हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया और हम और डिप्टी सीएम और हमारे संसदीय सचिव को यहाँ पे आप लोग अभी यहाँ बुला के आप लोगों का जो दुख भरी जो कहानी है, जो डिमांड है, उसको सुनने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी को मैं ईटानगर में यहाँ वेलकम भी करता हूँ। मैं आप लोगों का जो मेमोरेंडम है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी कंकर योमचा ने जो पर के जो सुनाया है उसके बारे में मैं थोड़ा देर में बात करूंगा। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को सच्चाई कहानी में सुनाना चाहूंगा और जो फैक्ट जो बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसे होगा कि आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होके बैठते हैं, कोई ऑफिस में व्यस्त होके बैठते हैं काम करके, कोई अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट वर्क जहाँ पे साइट में बिजी होके बैठते हैं, तो शायद आप लोगों का उतना ये सब चीज पता नहीं होगा। तो मैं कुछ मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा। तो मेरा अभी मुख्यमंत्री बन के अभी एक साल हमने कंप्लीट कर दिया है हम और हमारे पूरे टीम ने, और इस एक साल के अंतर्गत आप सभी को पता है 1 जनवरी 2018 से लेके मैं मानता हूँ वाकई सरकार का जो काम करने का जो माहौल जो बना कभी इस साल का जनवरी से ही बना, उस चीज का आप सब गवाह है, इस चीज के बारे में आप सबको पता है। तो मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, केवल मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा जो हम लोगों का धनराशि स्टेट गवर्नमेंट का 4000 करोड़ का कर्जा बोझ, उस बोझ को लेते हुए हमने घुसा 4000 करोड़ का कर्जा, उस बोझ के साथ में हमने मुख्यमंत्री बना। और ये 4000 करोड़ जो है किसी एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पहले से चलता आ रहा है, लाइबिलिटीज ऊपर लाइबिलिटीज चलते ये आते गए। जो मैं जो मुख्यमंत्री बना तो हम लोगों का लाइबिलिटीज यानी जो हम लोगों का बर्डन है, एक्सेस जो बर्डन है वो 4000 करोड़ का था। और आप लोगों को सुन के खुशी होगा कि पहली दफा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो बजट सेशन के बाद में, नहीं तो आप लोग पूरा हिस्ट्री का पन्ना आप लोग खोल के देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हमेशा हर एक साल डेफिसिट में घुसते हैं वो लोग, लाइबिलिटीज में घुसते हैं और अकाउंट जो है वेज एंड मींस में जाके नेगेटिव में घुसते हैं। लेकिन खुशी का बात यह है कि
हम और हमारे डिप्टी सीएम और हमारे जितने भी जो हमारे सहयोगी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हम लोग ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखा और मार्च और अप्रैल में हम लोग ने अपना जो अकाउंट बैलेंस है गवर्नमेंट का उसको हम लोग माइनस में जाने नहीं दिया। ये पहली दफा अरुणाचल प्रदेश में ये हाल हुआ। और साथ ही साथ मार्च 2017 जिस दिन ये बजट जो पेश हुआ तो उस तक मैंने कैलकुलेशन किया कि मैंने 4000 करोड़ का कर्जा लेके घुसा था, उसमें से मैं अपना लोगों के लिए कितना कर्जा मैंने पेमेंट कर दिया, तो कुल मिला के 2500 करोड़ पुराना जितने भी जो कर्जा था मेरा वक्त में हमने क्लियर कर दिया। अभी भी बचा है करीबन 1500 करोड़ जो मेरा वक्त का नहीं है, वो पुराना जमाने का कर्जा है। तो मेरा ये मैं इसलिए आप लोगों को ये बात जो मैं फैक्ट जो बोलता हूँ सच्चाई आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश पूरे इस पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और हम लोगों का जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो भी पूरे देश भर में सबसे चैलेंजिंग एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है। हम लोगों का पूरा पहाड़ है, लोकेशन काफी दूर दूर है, गांव भी पूरा दूर दूर है, तो सरकार के लिए भी काफी दिक्कतें होते हैं अपने लोगों तक पहुंचने के लिए, फैसिलिटी पहुंचाने के लिए। तो कुछ भी जो डेवलपमेंट का काम हो, कुछ भी इश्यूज हो, वो घूम फिर के जाके आते हैं हम लोगों का फाइनेंस ऊपर में। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं घूमने, अगर 1000 रुपए है तो उस 1000 रुपए को हम क्या क्या सामान लेना है उसका आप एक बजटिंग करता है, तो उसी प्रकार से इस राज्य को चलाने के लिए भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बजटिंग अच्छे से करना पड़ता है। अपने पास कितना पैसा होता है, एक साल में हम लोग कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है और किन किन जगहों में हम लोगों को खर्चा करना है, तो इसको हम लोग राशि कितना है वहां जाके बात जो वही में जाके खत्म हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश से यदि हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा राज्य तो है ही है, जो भगवान धोनी पोलो इतना अच्छा से ब्लेसिंग देके रखा हुआ है इस अरुणाचल प्रदेश को कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। चाहे आप टूरिज्म का क्षेत्र में देखो, हाइड्रो पावर का क्षेत्र में देखो, या चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में देखो, एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर में देखो, बहुत अच्छा पोटेंशियल है हम लोगों का। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जो जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं, तवांग से लेकर लोंगडिंग तक, हम लोग बोलते हैं 26 जनजाति का घर है अरुणाचल प्रदेश, और इस 26 जनजाति लोग सब लोग सही, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा लोग हैं सब लोग, जो भी बात है मन में नहीं रखता है, सीधा सीधा बात कर देता है। तो हम लोग का कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर है पूरे अरुणाचल के जितने भी ट्राइब्स लोग हैं। तो केवल हम लोगों का चाहिए तो एक सही दिशा, एक सही पॉलिसी होना बहुत जरूरी है अरुणाचल प्रदेश को लेके। हमारे यहाँ के आज के जमाने में हमारे जो यंग एनर्जेटिक जो यूथ लोग हैं, हमारे जो नौजवान युवाओं लोग हैं, उन लोग में काफी पोटेंशियल्स हैं। उन लोगों को सही दिशा दिखाने वाला एक गवर्नमेंट चाहिए, उन लोगों को सही हिसाब से काम करने वाला एक तो गवर्नमेंट चाहिए। और हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छा बात ये है कि आजादी को हुए हुए अभी लगभग 70 साल होने वाला है, 70 ईयर्स, और इस 70 साल में इस देश को दौर भाग संभालने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आप सब लोग जानते हैं, पिछले 3 सालों में इस देश को और भी आगे ले जाने के लिए, इस देश का छवि जो है और भी बढ़ाने के लिए, इस देश का गरीबों के लिए काम करने के लिए, इस देश में जितने भी जो युवा हैं उन लोगों को काम, उन लोगों के लिए काम करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं वो, और कितना अच्छा स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। गरीब से गरीब तक उनका गवर्नमेंट का फैसिलिटी पहुंचना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वे में पहुंचना चाहिए। तो इन 3 सालों में हम सबको एक फर्क महसूस हुआ है देखने को भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फोकस है नॉर्थ ईस्ट को लेके, अभी थोड़ी देर पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री चौनामिन जी ने जो कहा है कि इस बार देश भर में काफी सारा नेचुरल कैलामिटीज हुआ, कहीं में फ्लड आया, कहीं में लैंडस्लाइड्स आया, पूरे देश भर में वो पूरे देश का दौरा किया, और नॉर्थ ईस्ट में भी मेरे हिसाब से पहली दफा शायद कोई प्रधानमंत्री चल के आया, हर एक राज्य के साथ में वहां पे बैठा, कहां कहां
बारिश के कारण से लैंडस्लाइड हुआ, कहाँ पे फ्लड हुआ, तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे अगस्त का एक महीना, अगस्त का एक तारीख को वहाँ गुवाहाटी में मीटिंग गया, जिसमें मैं खुद गया, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर था वो लोग भी गया, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ में इंटरेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए रिलीफ फंड भी हम लोगों को अनाउंसमेंट भी किया। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनका जो सोच है इस देश को आगे ले जाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी जनता और सभी स्टेट्स को लेके, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जैसे मैं कह रहा था कि जिस हिसाब से हम सरकार में आया और जो चैलेंजेस मेरे ऊपर में था, अभी धीरे धीरे वो चैलेंजेस को भी हम एडजस्ट करके लेके गया और बहुत अभी अरुणाचल का जो फाइनेंशियल हालत भी काफी अच्छा है और आने वाला दिनों में आप लोगों को जरूर उसका फर्क देखने को मिलेगा। और इस बार